ये गाना तो ज़रूर सुना होगा, दिल्ली शहर का सारा मीना बाज़ार लेके। लेकिन अब आप ये जानिए कि मीना बाज़ार जो है कौन से शहरों में खुला है और मीना बाज़ार के क्या एक्सपेंशन प्लान्स हैं। हमारे साथ है समीर मंगलानी, ये ओनर है मीना बाज़ार के। बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि मीना बाज़ार के एक्सपेंशन प्लान्स जो हैं वो क्या हैं और कितनी पेस से हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साक्षी जी। मीना बाज़ार का प्लान सबसे एक लेवल में अगर एक सेंटेंस में आपको बताऊं तो हर 30 दिन में एक नई दुकान खोलना। और मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूं पिछले 2 सालों में हमने हर 37 दिन में एक नई दुकान खोली है। तो चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे वो बेंगलोर हो, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो भुवनेश्वर हो, चाहे वो नोएडा हो, चाहे वो दिल्ली में ही क्यों ना हो, लखनऊ में हो, हमने काफ़ी एक्सपेंशन की है Tier 1, Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में। और यही आगे मेरा विजन 2030 भी है, 5x ग्रोथ, 5 गुना ग्रोथ टिल द ईयर 2030। जी बिल्कुल। और जो लोग घर बैठे ये जानना चाहते हैं कि देखिए गर्मी में क्या समर ट्रेंड्स आ रहे हैं और मीना बाज़ार जो इस रिटेल स्पेस को 1970 से लीड कर रहे हैं उधर क्या ट्रेंड्स देख सकते हैं, वो उनको आप क्या कहना चाहें? मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स आजकल सामने आ रहे हैं। गर्मियों का मौसम है, काफ़ी बीच वेडिंग्स आ रही हैं, काफ़ी यंगर ब्राइड्स अब चाह रही हैं कि बीच वेडिंग्स में उनके पास उनके बीच वेयर के साथ कोई इंडियन कवर अप ज़रूर हो, जैसे काफ्तान हो गया। काफ़ी ब्राइड्स और काफ़ी यंगर वुमेन चाह रही हैं कि बॉक्सी फिट्स, ओवर साइज फिट्स, ये सब भी उनको देखने को मिले और वो भी उनको अपॉर्चुनिटी मिले एथनिक वेयर में। तो एक ट्रेंड मैं ज़रूर देख रहा हूँ कि हमारे स्टोर में जो बड़े साइजेस हैं वो ज़्यादा बिक रहे हैं। कोई अगर मीडियम पहनता है तो अब वो एक्स्ट्रा लार्ज या डबल एक्सएल प्रेफर कर रहा है एक लूज़ बॉक्सी फ्लोई कॉटन फिट के लिए। ये हर रोज़ के लिए नहीं है लेकिन खासकर ओकेजन वेयर या बीच वेडिंग के लिए उसके लिए ज़्यादा वो हो रहा है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग आउट ऑफ द बॉक्स ट्रेंड है जो मैं नोटिस कर रहा हूँ। आउट ऑफ द बॉक्स ट्रेंड की आपने बात करी, तो जो लोग शादियाँ प्लान कर रहे हैं चाहे इस साल में, चाहे जब सर्दी आए तब इस साल के आखिर में या अगले साल में, उनके लिए आप जो है वेडिंग ट्रेंड्स क्या देख रहे हैं? सबसे ज़्यादा जो ऑफर चीज़ ऑफर कर रहा है वो है पर्सनलाइजेशन। हर जने को चाहिए, हर ब्राइड को खासकर चाहिए वो मेरा वाला पिंक। तो हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं हाइपर पर्सनलाइजेशन पे। कोई भी चीज़ आपको कलर चेंज करना है, एम्ब्रॉयडरी चेंज करना है, काम चेंज करना है, हम लोग अब ओपन एटीट्यूड से अपने कस्टमर्स की तरफ ध्यान दे रहे हैं। हम समझ सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ये बहुत ज़्यादा अहम और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो एक ही बार आने वाली है, तो हमें उसी इम्पोर्टेंस के दर्जे से हम उसको इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि आपकी इस जर्नी में एक ओवरऑल अच्छी सिमेट्रिकल या ओवरऑल एक विजन जो आपका एज अ ब्राइड है, जो आप अपने मे बी माता जी को या अपनी बहनों को या अपने दोस्तों को भी देखते हो कलर कोऑर्डिनेशन में, वो भी हम कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं, उस नज़रिए से अब हम आके काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो आपने ये तो शादियों का ट्रेंड बता दिया, लेकिन जो लोग जैसे कि आपने बात करी कि किस पेस पे किस गति से नए नए स्टोर खुल रहे हैं, तो जो लोग ये जानना चाहते हैं कि देखिए भारत में रिटेल स्टोर्स और रिटेल स्पेस जो है वो ग्रो हो रही है, लेकिन इससे नौकरियां कितनी आ रही है, एम्प्लॉयमेंट के क्या ट्रेंड्स हैं, तो मीना बाज़ार में आप उनको क्या बताना चाहेंगे कि लगभग हर महीने कितने एम्प्लॉयमेंट या कितनी जॉब जनरेट हो रही है अगर नए स्टोर्स खुल रहे हैं? बहुत ही बढ़िया सवाल। डेफिनेटली हमारा एवरेज स्टोर साइज जो रहता है अबाउट 750,000 स्क्वायर फीट का रहता है, उसमें कम से कम बेयर मिनिमम हम 5 जनों को का स्टोर वो रहता है। हम एक कोलैबोरेटिव एफर्ट कर रहे हैं जिसमें हमारी जो पुरानी एग्जिस्टिंग टीम है उसके साथ साथ नए जने हम दोनों का एक कम्बाइंड एफर्ट लेके आगे बढ़ रहे हैं। हमें ये भी पता है कि जब तक नए जने हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे हमारी ग्रोथ नहीं होगी, और हमें ये भी पता है कि उन जने जिनकी वजह से अभी तक हमारी ग्रोथ हुई है अगर हम उनको आगे नहीं बढ़ाएंगे, उनको नए हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं देंगे, उनकी ग्रोथ नहीं होगी, कंपनी की ग्रोथ नहीं होगी। तो HR में हम बहुत ज़्यादा टाइम एफर्ट स्पेंड कर रहे हैं, मैं खुद पर्सनली भी इन्वॉल्व हूँ। और इनफैक्ट हमने एक उसमें एक प्रोग्राम लॉन्च किया है सबका विकास सबका साथ, सो उसमें मैं खुद हर जने से मैं मिलता हूँ, मेरी टीम मिलती है और हम वर्क करते हैं कि कहाँ पर उनको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मिले, क्या काम वो करना चाहते हैं जिससे कंपनी का फ़ायदा हो और क्या काम कंपनी उनसे करवाए जिनसे उनका फ़ायदा हो, उनको कोई नया सीखने को मिले और वो अपने
परिवारों में क्या वो पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकते हैं, तो उन सब पहलू पे हम काम कर रहे हैं. एंड इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस. जी बिल्कुल, इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस. एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि देखिए, जैसे कि आपने समझाया कि अगर हम साथ में नहीं चलेंगे तो ये तरक्की हम नहीं देख पाएंगे, चाहे वो एक कंपनी हो, चाहे वो एक देश हो, चाहे वो एक रिटेल स्पेस ही क्यों ना हो. लेकिन आने वाले समय में जब डिजिटलाइजेशन की बात होती है, हमने काफ़ी स्टार्टअप से यहाँ पर बात करी और वो जो है डिजिटलाइजेशन का कैसे यूज़ कर रहे हैं, खाली इंस्टाग्राम पे हैं, खाली ऐप में हैं, लेकिन कोने कोने में जो है देश के उनके कारीगर हैं. तो आप क्या बताएंगे, मीना बाजार को देखिए एक ट्रेडिशनल 1970 के ब्रांड के नज़रिए से देखा जाता है, तो समय के साथ आप क्या विजन लाना चाहते हैं कि मीना बाजार भी अब डिजिटलाइजेशन का कैसे इस्तेमाल करके नए क्लाइंट्स या नए टारगेट ऑडियंस को देख सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है. बहुत गर्व के साथ मैं कह रहा हूँ, मीना बाजार शायद पहले गिने चुने ब्रांड्स में था जिसने ओमनी चैनल एज अ स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है, जो ई कॉमर्स जिसने पहली बार स्टार्ट किया था हमारे रिटेल सेक्टर में. हम लोग काफ़ी अनऑर्गेनाइज थे, जिसको अब हम सेमी ऑर्गेनाइज मैं कहूँगा, उसको फुली ऑर्गेनाइज तो नहीं कहूँगा, लेकिन उसमें ई कॉमर्स का और वेबसाइट का हमारा बहुत बड़ा योगदान था. इवन टू दी स्पेसिफिक कि हमारा प्राइस टैग किस जगह होता है एक साड़ी में या एक कुर्ती में, उसको भी डिटर्मिन करने में वेबसाइट का, हमारी ऑनलाइन जो हमारे कस्टमर्स हैं उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है. बिकॉज पहले हम लोग इंस्टाग्राम तो अब आया है, पहले तो हम ईमेल खेलते थे, तो ईमेल हम फ्लैट बेड स्कैनर से करते थे कि भैया ये साड़ी है. तो हमारे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हमारे साथ जुड़े हुए थे, और मे बी बिकॉज ऑफ देयर लाइफ यू नो इवेंट, किसी की शादी बाहर हो गई दिल्ली से, या फिर भी वो हमसे ख़रीदना चाहते हैं, उनको कैटर करने के लिए हमने अपनी वेबसाइट स्टार्ट की थी. तो इवन हम फ्लैट बेड स्कैनर से जब हम प्राइस टैग स्कैन करते थे या साड़ी स्कैन करते थे, तो प्राइस टैग साथ में आता था, उनको एक आश्वासन होता था कि हाँ हमें वो स्टोर वाला प्राइस ही मिल रहा है. तो यू नो इस थॉट के साथ हमने आगे बढ़े. डिजिटलाइजेशन में बहुत ज़्यादा टीम है जो अब डेटा में हम इन्वॉल्व है. मैंने पैनल में भी बोला था, 17 जने हमारे हेड ऑफिस में जो सिर्फ और सिर्फ डेटा पे बिलीव करते हैं. डेटा रिपोर्टिंग, कस्टमर क्या खरीद रहा है, क्या हम उनको बेटर साइजेस ऑप्शन दे सकते हैं, क्या बेटर कलर्स दे सकते हैं, क्या बेटर वर्क हम दे सकते हैं, उन सब पे हम फोकस कर रहे हैं. तो डिजिटलाइजेशन नॉट ओनली फ्रॉम अ कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू बट इवन फ्रॉम अ कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू इज समथिंग दैट वी आर एक्सट्रीमली डीपली इन्वॉल्व इन. जी बिल्कुल, और आने वाले समय में हम भारत को जिस दिशा में लेना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, और जिस स्पेस से ये ग्रोथ देखना चाहते हैं, रिटेल स्पेस में जो है रिटेल सेक्टर का, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है. तो आने वाले समय में अगर मैं आपसे पूछूँ एज ओनर ऑफ मीना बाजार, आपकी क्या प्रोजेक्शन है भारत की रिटेल लैंडस्केप के लिए? भारत का रिटेल लैंडस्केप बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ रहा है. आई थिंक सिर्फ मीना बाजार के लिए नहीं, लेकिन हर ब्रांड के लिए कितनी जल्दी वो बदलते हुए ट्रेंड्स और बदलते हुए डिमांड के साथ कीप अप कर सकता है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. बहुत बड़े दिक्कत हमारी इंडस्ट्री में, ऑल फुटवेयर में, चाहे वो ज़ारा हो, H&M हो, सब लोग कहते हैं कि भैया कंज्यूमर किंग है. कंज्यूमर कस्टमर हमें बताते हैं कि उनको क्या चीज़ चाहिए. तो किसी भी ब्रांड के लिए वो अडेप्ट कर पाना जल्दी से कि भैया वो जो उनको चीज़ चाहिए कैसे आपके स्टोर में हो, वो एक बहुत बड़ी यू नो प्रॉब्लम है. और उसी पे ही मीना बाजार भी वर्क कर रहे हैं, और मैं यही रिकमेंड करूँगा हर ब्रांड को कि जितने जल्द से जल्द उसमें टाइम स्पेंड कर सके, अपने मिल से अपनी दुकान में कितनी कम से कम टाइम में यू नो आपका सामान आ सकता है, आई थिंक वो एक बहुत बड़ी चैलेंज रहेगी जिसको हम सुधार सकते हैं. जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए और इस बातचीत के लिए.